अगर कोई जीवन के दूसरे आयाम खोजना चाहता है तो ये बहुत जरूरी है कि वो अपने अंदर सुख का एक ऐसा स्तर स्थापित करे जिसे किसी चीज से कोई खतरा ना हो। शुरू में मैं हमेशा सोचता रहता था कि जब वापस जाऊंगा तो क्या करूंगा और यहाँ रहने से भी क्या होगा। मेरे विचार बस चलते ही रहते थे। मैं ऐसा इंसान हूँ जो अटक जाता है। मेरे जीवन के बुरे पल देर तक बने रहते हैं। काम करते हुए या परिवार में कुछ बुरा हो जाए तो मैं उसके बारे में सोचता रहता हूँ। वो विचार आकर कई गुना बढ़ जाते हैं। सबसे सरल तरीकों में से एक है ज्यादा से ज्यादा तरीकों से खुद को धरती से जोड़ना, खुद को हमेशा याद दिलाते रहना। सिर्फ मन या भावनाओं के स्तर पर नहीं, शरीर के स्तर पर भी खुद को याद दिलाना कि आप बस इस धरती के एक छोटे हिस्से हैं। आप धरती ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसकी शुरुआत पृथ्वी प्रेम सेवा से हुई। हमें पौधों की छटाई करनी थी और अपनी पूरी ऊर्जा को खर्च कर देना था, जिसके बाद शरीर और मन बस शांत हो गए। कुछ न होने की वो भावना मेरे लिए एक जबरदस्त अनुभव था और इसने मुझे गहराई में स्पर्श किया। हाँ, हठ योगा से हम शरीर को गूंथने की कोशिश कर रहे हैं। आप किसी चीज को गूंथते हैं क्योंकि आपका इरादा कुछ और होता है। गूंथना अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। आप आटा गूंथते हैं क्योंकि आप उसे एक दिन पकाना चाहते हैं। हठ योग कार्यक्रम बहुत ही तीव्र था। सूर्य क्रिया और योगासन, ये बहुत ही तीव्र और थका देने वाले थे। मैंने कभी पूरा दिन योग नहीं किया है। मैंने कभी ऐसे अनुभव नहीं किया है। शुरू में मेरे अंदर संदेह था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। हठ योग इसलिए किया जाता है कि हम अपने शरीर को एक तरफ रखना सीख सकें। अगर आप शरीर को बहुत अच्छी स्थिति में रखते हैं तो शरीर कोई मुद्दा नहीं होगा। जब ये कोई मुद्दा नहीं होगा तो आपको इसके होने का भी एहसास नहीं होगा। मुझे लगा कि मेरा शरीर एक खास तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है। लचीलापन और ऊर्जा आने लगी और मेरा सर्वाइकल दर्द हर दिन कम हो रहा था। आपको अपने मन और भावनाओं को भी गूंथना शुरू करना होगा ताकि आप उन्हें इतना लचीला बना लें कि आप यहां इस तरह से बैठ सकें जैसे मन और भावनाएं है ही नहीं। मैं ज्यादा लंबे समय तक केंद्रित रह पाया, मेरा मन मुझे भटका नहीं पाया। मैं थोड़ा दुखी था और मुझे लगा मैं काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, पर आधे ही घंटे में मैंने जितनी आराम से उस विचार को दूर किया और अपने भीतर सामान्य स्थिति में आया वो बहुत ज़बरदस्त था। जब काम होता है तो मैं ज़्यादा सक्रिय होता हूँ और नहीं होता है तो ज़्यादा आराम में होता हूँ। ये बहुत अच्छा है। कोई विचार या भावना नहीं, बस जीवित। सिर्फ तभी आप हर ठ की स्थिति में हैं, जिसका मतलब है आप में सूरज और चांद संतुलन में हैं।